नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दुल्हन बदलने वाले आरोपियों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज, दो गिरफ्तार। गौहद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 निवासी परमाल सिंह बैसादर द्वारा अपनी पुत्री का संबंध बड़पुरी अटेल निवासी युवक से करा दिया था, जिसकी सगाई रस्म दिसंबर माह में संबंधित के दोस्त ने करा दी थी। लड़की पसंद आने पर गोद भराई की रस्म पूरी हो गई, जिसमें 16 जनवरी की दिन टीका की रस्म से पहले दुल्हन बदल दी। उसके स्थान पर कोलकाता निवासी युवती को दुल्हन का जोड़ा पहना दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दूल्हे के पिता ने बताया कि टीके से पहले उन लोगों का दुल्हन बदले जाने को शक हो गया था। इस पर उन्होंने पूछा तो परमाल बैसांदर सतार खान पप्पू ट्रेलर ने बताया कि मेकअप से चेहरा बदला हुआ लग रहा होगा। शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंच गए। ससुराल पहुंचकर मालूम हुआ दुल्हन बदली हुई है। इस पर दूल्हे के पिता ने पुलिस अधीक्षक रुडोल्फ अल्वारेश को आवेदन देकर पूरी बात बताई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देकर महिला परामर्श केंद्र खिंड में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत केंद्र प्रभारी रत्ना जैन ने पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद पुलिस ने परमाल वैशांदर राम गोविंद नामदेव सत्तार खान और सगाई की गई लड़की के खिलाफ मामला कायम किया, जिसमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न्याय में पेश किया। पेश है भिंड से आदि द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। दुल्हन बदलने का मामला सामने आया है, आपके यहाँ FIR दर्ज हुई, क्या है पूरा मामला सर? मामला ये है कि फरियादी भगवती चरण शर्मा जो है निवासी बड़पुरी का रहने वाला है, वो अपने लड़के के रिश्ता के लिए यहाँ गोहद निवासी परमाल शर्मा के पास में आया हुआ था और उनसे बातचीत हुई तो परमाल शर्मा ने अपनी लड़की को दिखाया था कि मेरी लड़की की शादी कर लो, तो गोद भराई वगैरह लड़के पक्ष वालों ने कर लिया था यहीं आकर के गोहद में। उसके बाद में दिनांक 16 जनवरी को शादी तय हुई और शादी के दौरान में इन लोगों ने लड़की चेंज कर दिया, दूसरी लड़की को ला करके शादी के मंडप में बैठा दिया और मालूम ही नहीं पड़ा कि वही लड़की है जो कि जो गोद भराई के लिए किया गया था। और उसके बाद में जब शादी संपन्न हो जाने के बाद में पता पड़ा कि लड़की कोई दूसरी लड़की है। उसके बाद में फरियादी पक्ष भगवती चरण ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया कि ये जो मेरे साथ में छल हुआ है कि जिस लड़की का मैंने गोद भराई अपने लड़के के लिए किया था वो लड़की नहीं है और दूसरी लड़की के साथ में शादी करवा दी है। इसमें कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कौन कौन लोग हैं? अभी तो प्राथमिक तौर पे उसके रिपोर्ट पे लड़की के पिताजी जो परमाल शर्मा है और उसका जो सहयोगी है पप्पू उर्फ राम गोविंद नामदेव और एक सत्तार खां, उनके खिलाफ में अभी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपी बनाया गया है। तो ये जो लोग हैं ये क्या लड़की के परिवारी जन हैं या कोई अन्य लोग हैं? लड़की तो महाराष्ट्र की बताई जा रही है, तो ये लड़की के परिवारी जन हैं, कौन हैं ये? अब ये जो लड़की अभी भगवती चरण के घर में ही है और उन लोगों ने पूछताछ किया था तो उनको बताई है कि वो कोलकाता की रहने वाली है और किसी के माध्यम से वो यहाँ ग्वालियर तक पहुंची है और ये अभी विवेचना का विषय है और उसको आगे तक लेके जाएंगे कि कौन ने इस लड़की को लेके आया था और क्यों लेके आया था। क्या लगता है आपको, ये बहुत बड़ा गिरोह है, क्या इस गिरोह का भंडाफाड़ कर सकेंगे आप? अभी अब धीरे धीरे ये जो विवेचना आगे बढ़ेगा गिरोह का भंडाफोड़ होगा और जहां तक कोशिश है कि हम ये गिरोह का भंडाफोड़ करने की कोशिश करेंगे।